सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी गीता प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, गीता श्लोकोच्चारण शुद्धिकरणम की इस श्रृंखला में आज हम 56वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं, 56, और चतुर्थ अध्याय हमारा चल रहा है। चतुर्थ अध्याय के हमने अभी तक 3 श्लोक पढ़ लिए हैं, उच्चारण शुद्ध कर लिया है। आज हम चतुर्थ अध्याय के चौथे श्लोक के उच्चारण को शुद्ध करेंगे और अर्थ जानेंगे। चलिएगा, पहले उस श्लोक का उच्चारण शुद्ध करते हैं, उसके बाद में फिर चर्चा करेंगे। चलिएगा, अर्जुन उवाच माने अर्जुन ने कहा। अभी पहले भगवान श्री कृष्ण जी उपदेश कर रहे थे, अब अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। आइए, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अब आइएगा मेरे साथ, बोलिएगा 3 बार। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरं जन्म परं जन्म विवस्वतः अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका श्लोक का उच्चारण। अब इसका अर्थ पर विचार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने ऊपर जो 3 श्लोक थे इनमें यही बताया था कि पहले श्लोक में बताया था कि इस योग को मैंने पहले विवस्वान को कहा था, फिर विवस्वान ने मनु के लिए कहा, मनु ने इक्ष्वाकु के लिए कहा, इस परंपरा से ये चला है। परंतु और अब मैं तुझको कह रहा हूं, तो इस बात को लेकर के अर्जुन के मन में जो प्रश्न होना चाहिए था
वो प्रश्न सामने आ गया, अर्जुन ने वो प्रश्न भगवान श्री कृष्ण जी से कर ही दिया कि महाराज जी ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि मैंने विवस्वान को बताया, विवस्वान ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, इस प्रकार से राज ऋषियों ने इस योग को, कर्म योग को, ज्ञान योग को जाना, परंतु आप ये बात किस आधार पर कह रहे हैं? ये बात तो बिल्कुल एकदम थोथी है। तो अर्जुन कहता है महाराज जी इसका उत्तर दीजिए जल्दी से कि भवतः अपरम जन्म और परम जन्म विवस्वतः कि आपका जो जन्म हुआ है वो तो अपर माने बाद में हुआ है, अभी हुआ है आपका, तो मेरे से थोड़े बड़े होंगे भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से, तो आपका जन्म तो बाद में है और परम जन्म विवस्वतः, और जो विवस्वान का जो जन्म है वो तो बहुत पहले हुआ है, लाखों वर्ष पहले, और आप कह रहे हैं मैंने उसको पढ़ाया, मैंने उसको सिखाया। कथम में तद विजानिया, भाई मैं इस बात को कैसे जानूं, कैसे मानूं कि आपने विवस्वान को बताया? भाई आप तो अभी हैं, तुम आदौ प्रोक्तवान इति, माने तुमने ही इस योग को आदि माने प्रारंभ में कहा था, ये मैं कैसे जानूं? ये शंका उठी है, सही शंका उठी है, ठीक है। अब एक प्रश्न इस श्लोक पर, कुछ श्लोकों पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो सकते हैं, ठीक है। देखिएगा जो ये कर्म योग विद्या है, ज्ञान योग विद्या है, ये सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने ही कही, ऐसा मानना उतना उचित नहीं लगता है, उतना उचित नहीं लगता है। हाँ देखिएगा, बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि से विचार करके किसी बात का निष्कर्ष निकालता है तर्क के आधार पर, और जो रूढ़िवादी होते हैं, परंपरावादी होते हैं, उनको जैसा वो सुनते आते हैं वैसे ही वो बिलीव करते रहते हैं, उनको कोई तर्क और वितर्क करने की आवश्यकता नहीं होती, उनने जैसे सुन लिया वैसे ठीक है जी ऐसा ही है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनके लिए तो यहाँ पर कोई शंका, कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होगा, वो तो ठीक है जी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा। परंतु जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि भाई सबसे पहले ये विद्या भगवान श्री कृष्ण जी ने ही कही, ये बात गले से नीचे उतरती नहीं वास्तव में, परंतु इस पर हमें विचार करना चाहिए। विचार ये करना चाहिए, जैसा कि हमने आपको कहा, हमने आपको बीच बीच में कहा है, बार बार कहा है कि जब यहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ये कहते हैं ये मैंने कहा, ये मैंने कहा, ये मैंने किया, ये मैंने किया, तो उसके दो तात्पर्य होते हैं। एक तो भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं को टारगेट करके कहते हैं कि मैंने ये किया, और एक दूसरा लक्ष्य होता है उनका कि मेरे जैसे ही व्यक्ति ने ये कार्य किया, अर्थात मैंने ही किया, ये उसका ध्येय होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है। तो हम अपनी तर्क से बुद्धि यदि चलाएं तो यहां पर भी हमको यही बात लेनी पड़ेगी कि अर्जुन को ये बात भगवान श्री कृष्ण जी ने बताना चाहा, ये बताना चाहा कि भाई कि मैंने अथवा मेरे जैसे लोगों ने, ठीक है, इस योग विद्या का आरंभ किया, परंतु अर्जुन ने ऐसा समझा कि भगवान श्री कृष्ण जी ऐसा कह रहे हैं कि मैंने ही वास्तव में, मेरे शरीर में रहने वाली इस आत्मा ने ही
इस विद्या को। तो अर्जुन के मन में प्रश्न भी आ गया। अब अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण जी को तैयार करना है अर्जुन को, तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी को ऐसा अपना रूप दिखाना होगा, अर्थात अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करना होगा कि अर्जुन को वास्तव में ये प्रतीत हो कि हाँ ये इसी व्यक्ति ने ये कार्य किया है, इस व्यक्ति ने ये नियम कानून बनाए हैं और यही बता रहा है, तो ये मेरे हित की बात है। ठीक है, आगे श्लोक आएगा, आगे इसके श्लोक आएगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं, परंतु सारे जन्मों को तुम याद नहीं रखते हो, मैं याद रखता हूं। ये इस श्लोक में अभी आगे कहा जाएगा भगवान श्री कृष्ण जी की तरफ से। ठीक है, तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि भगवान श्री कृष्ण जी यही कह रहे हैं कि भाई ये विद्या को मैंने ही सबसे पहले कहा है, परंतु ये बात उतनी हमें सही प्रतीत नहीं होती है। ठीक है, ये जो श्लोक हैं ये किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए हैं, इस बात को हर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति मानता है, ये कोई भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से उच्चरित श्लोक नहीं है। ठीक है, ये तो भगवान श्री कृष्ण जी का जो उपदेश था उसको श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर महाभारत के अंदर रखा गया है, और महाभारत का महाभारत जो पुस्तक है उसमें ध्यान देंगे, उसमें मध्य काल में बहुत सारे श्लोक उसमें लोगों ने डाल दिए हैं डाल दिए हैं। तो इस प्रकार से गीता के अंदर भी कुछ श्लोक इस प्रकार के डाले गए हैं जो वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण जी के विचार से मेल नहीं खाते हैं, साफ साफ आपको कह रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग दिमाग में इस प्रकार का विचार लेकर के जीते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने श्लोक ऐसे ही बोला था और अर्जुन ने ऐसा ही बोला था। अरे भाई, ये भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बोले हुए श्लोक नहीं है, अर्जुन के द्वारा बोले हुए श्लोक नहीं है, ना उनके द्वारा लिखे हुए। उस समय की घटना को कहते हैं कि महाभारत के जो लेखक हैं उन्होंने श्लोकबद्ध कर दिया है, ये इतिहास है इसका। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार का ये विचार हम यहां पर ऐसा अर्थ लेकर के चलेंगे तो बिल्कुल सही है कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को जिस योग विद्या या कर्म योग विद्या या ज्ञान योग विद्या का उपदेश कर रहे हैं उस विद्या को कोई नया उपदेश नहीं कर रहे हैं, वो प्राचीन काल से भगवान श्री कृष्ण जैसे उपदेशकों के द्वारा निरंतर बताई गई है। ये इसका कुल सार यदि हम लें तो हमारे लिए हितकारी है, हितकारी है। चाहे भगवान श्री कृष्ण जी ने श्लोक कहे हो, चाहे अर्जुन ने कहे हो, चाहे किसी ने कहे हो, ठीक है, वो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। लाभ ऐसे ही ले सकते हैं कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए जो ये विद्या है ये उपयोगी। ठीक है, तो यहाँ पर अधिक हम यही निवेदन करेंगे कि इस प्रकार के तर्क वितर्क से तो बहुत श्लोक भगवान श्री कृष्ण जी की विचारधारा के अनुकूल नहीं बैठते हैं, परंतु गीता के अंदर वर्तमान समय में हमें मिल रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि उन श्लोकों का ऐसा अर्थ करें, उनका ऐसा भाव निकालें कि मानव जीवन के लिए मंगलमय हो। तो वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम हैं संस्कृत भाषा के जानकार, हम आपसे अधिक जानते हैं संस्कृत भाषा के विषय में, इसलिए आपको वही बात बताएंगे, वही बात बताएंगे। ठीक है, तो चलिएगा मित्रों, ये अर्जुन ने कहा है कि भाई ये आप कैसे जानते हो, भगवान कभी विवस्वान को आपने पढ़ाया, भाई तुम तो अभी हो आप तो इसका उत्तर आगे भगवान श्री कृष्ण जी देंगे, भगवान श्री कृष्ण जी की तरफ से दिया जाएगा इस श्लोक में। ठीक है, तो
तो भगवान श्री कृष्ण जी बताएंगे, ठीक चलिएगा। सकारात्मक विचार रखिएगा और जो भी अच्छी बातें जहां से मिल सकती हैं वहां से ग्रहण करने का प्रयास कीजिएगा, और जहां पर आपको लगता है अरे जी ये बात विपरीत है उसको छोड़िएगा, को छोड़िएगा, उसके पीछे मत पड़िएगा, उस पे ही हमारा लाभ है। चलिएगा, आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि प्रणाम। सर्वेभ्यो नमः।